हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस MEG-7 जो आपका RTC का क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस कर रहे थे 2019 के। तो ए बी और सी RTC का जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया था। इससे पहले जो आपकी पार्ट 6 आई थी उसमें ये आपका नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम DEF और G जो RTC से रिलेटेड क्वेश्चन आए उनको डील करेंगे। तो डी नंबर पे है जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, आई एम इंडियन वेरी ब्राउन बोर्न इन मालाबार आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस राइट इन 2 ड्रीम्स इन 1। ठीक है, तो दीज लाइन्स पहले लिखना है आपका राइट टू कॉन्टेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स में लिखा जाएगा। सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम कौन सी पोएम से ली गई है, एन इंट्रोडक्शन एंड दिस इज रिटन बाय कमला दास। और इंट्रोडक्शन से सेम पोइट्री की लाइन रिपीट हुई थी आपकी 2018 में भी, इंट्रोडक्शन का यही पैराग्राफ रिपीट हुआ है, आई एम इंडियन आई एम वेरी ब्राउन। तो सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, इन तीनों लाइन को एक्सप्लोर करेंगे। लाइक यहाँ पे जो कमला दास हैं, शी एक्सप्लेन दैट आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ, वेरी ब्राउन एंड माई कॉम्प्लेक्शन इज ब्राउन, बोर्न इन मालाबार एंड आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस मैं बोलती हूँ, एंड राइट इन 2 लैंग्वेजेस, मैं 2 लैंग्वेजेस में लिखती हूँ, और ड्रीम इन 1 लैंग्वेज, मतलब कि मैं जो एक ही लैंग्वेज में ड्रीम देखती हूँ अपने, मतलब कि यहाँ पे जो हिंदी लैंग्वेज है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। अब ये तो हो गया सेकंड। अब थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, एन इंट्रोडक्शन अपील इन कमला दास फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द पोएम समर इन कैलकटा में ये पब्लिश हुई थी। इट इज़ ऑफन सिटेड एज पावरफुल आर्ग्यूमेंट किया गया है इसमें फॉर इंडियन राइटिंग, आई एम इंडियन वेरी ब्राउन बोर्न इन मालाबार, और ये बहुत फेमस लाइन है। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम माइन, यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपनी एक परस्पेक्टिव प्रेजेंट करती है। एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन फेमिनिस्ट राइटिंग इन द पोएम शी स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ अ गर्ल rebelling against the norms of dictates the patriarchal society and ask her to fit in and belong against her own wishes. Malabar, a South Indian location, जो कि इस line में mention है, covering a large part of Kerala and which also extend to the part of Karnataka. The point in is utter during the years her stern marriage and her first sexual encounter all leave her tremendous on an impulse. She defines the gender roles and dress up a man by wearing a shirt and trouser and sit on the wall the guardian of mortality force respectable women's attire on the instruction that she should fit into the society accepted by women as a wife and a mother. तो इसमें इन्होंने सेकंड पैराग्राफ में उन लाइंस को इलाबोरेट करने के बाद आप थर्ड लाइन में या तो इससे रिलेटेड पोएटिक डिवाइसेस लिख देंगे या थोड़ा सा ब्रीफ में उस पोएम को बता देंगे कि जैसे कि इस पोएम में उन्होंने क्या बोला है, जो फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव होता है कि सोसाइटी उन्हें किस तरीके से देखती है, कि वो उसी तरीके से अटायर कपड़े पहने, उसी तरीके से बिहेव करें, और ये जो पोएम है उन्होंने एक गर्ल स्पीकर की तरह से प्रेजेंट की है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है ई नंबर पे जो पोएम है ये एज इट इज़ ई नंबर पे ही कोट थी जो जून 2019 में पेपर आया था। नाउ शी लुक्स फॉर द स्विंग इन द सिटीज विथ 15 शॉप्स एंड ट्राइज टू बी इनोसेंट अबाउट इट एंड दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम माय कज़न ऑन द स्विंग ऑन अ स्विंग, और ये लिखी किसने है, माय कज़न ऑन अ स्विंग, अभी हमने जल्दी में ही इसको कंप्लीट किया था, रामानुजन जी ने लिखी है। सो ये लाइंस वहाँ से ली गई हैं और ये भी आ जाती है, एक दो बार आई हुई है। तो फर्स्ट ये लिखेंगे, सेकंड में क्या बताएंगे, नाउ शी लुक्स फॉर स्विंग, कि अब जो मेरी कज़न है वो बड़ी हो गई है, शहर में रहती है और वहाँ पे वो स्विंग ढूंढ रही है, इन द सिटीज़ और जो 15 डिस्ट्रिक्स हैं वहाँ पे वो ऐसे सिटी या ऐसे झूलों को ढूंढ रही है, स्विंग्स को ढूंढ रही है, और दोबारा से वो इनोसेंट बनना चाहती है। किसके लिए इनोसेंट बनना चाहती है, जो उसने बचपन में सेक्सुअल इनकाउंटर किया था, कुछ उसी तरीके का इवेंट उसके साथ दोबारा हो, या फिर वो दोबारा से सेक्सुअलिटी को जीना चाहती है, उसे फील करना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी थर्ड पैराग्राफ में। आप इस पोएम में और दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि इसमें पोएट ने क्या किया है, सेक्सुअल इमेजिनरी का यूज़ किया है, इमेजरी का यूज़ किया है, और जो एक इंटीमेशन होता है, जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है, उसको एक्सप्रेस किया है अपने लाइन्स के थ्रू, राइट, इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो एफ पार्ट है, एफ क्या है, मैंने माई कज़न ऑन स्विंग पे ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि ये छोटी सी पोइट्री और बहुत अच्छी सी पोइट्री है, आप इसको बुक से कंप्लीट कीजिए लाइन टू लाइन, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए हो सकता है यहाँ दूसरी लाइन्स आई हैं, एग्ज़ाम में कोई और दूसरा पैराग्राफ दे दिया जाए तो आप इस पोइट्री को कवर कर लो। एफ नंबर पे है, एंडलेस क्रो नॉइजेज़ अ स्कल ऑन द होली सैंड्स
टिल्ट इन एम्प्टी कंट्री टूवर्ड्स हंगर, तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं और इसके बारे में बताना है। सो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम महापात्रास ड्रोन एट पुरी, यहाँ से ली गई हैं। और हेयर द होली सैन इज़ द लॉन्ग सी, ये सेकेंड पैराग्राफ में आएगा। पहले तो ये बताएंगे कहाँ से ली गई हैं, तो ड्रोन्स एट पुरी से ली गई हैं और इसको लिखा किसने हैं, महापात्रा जी ने। नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा, हेयर द होली सैन इज़ अ लॉन्ग सी बीच वेयर द फ्यूनरल प्रेयर गोइंग ऑन बर्निंग, जहाँ फ्यूनरल प्रेयर हो रही है। द पोइट हेयर इज ट्राइंग टू प्रेजेंट द वर्सिमिलिट्यूड ऑफ लाइफ, द स्कल डिनोट्स द मॉडर्न मैन डिवोटेड ऑफ लव एंड सिंपैथी। इसके अंदर जो स्कल का यूज़ किया गया है वो डिवोशन का यूज़ किया गया, डिवोशन रूप में किस चीज़ का डिवोशन, लव एंड सिंपैथी का। तो ये हो गई इसके सेकंड पैराग्राफ। थर्ड में, जैसे कि मैं हर बार बोल रही हूँ, थर्ड में आपको कोई पोएटिक डिवाइस आता है तो आप उसको लिख दीजिए, आपको राइमिंग स्कीम याद है तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज इसका बिल्कुल सेंट्रल थीम लिख दीजिए कि इसमें क्या दिखाया गया है। होली सैंड को प्रेजेंट किया गया है, इसमें बीच को प्रेजेंट किया गया है, फ्यूनरल प्रेयर को प्रेजेंट किया गया है, और जो ह्यूमन बींग्स का मॉडर्न ह्यूमन बींग्स का और मैन का स्पेशली जो डिवोशन होता है, डिवॉइड होता है लव और सिंपैथी को लेके, उसको प्रेजेंट किया गया है। अब जो इसका जी पार्ट है, दैट इज़ द लास्ट पार्ट, जो इसका जी पार्ट है ये इसका लास्ट पार्ट है, और ये क्या है, यू लुक डाउन टू द रोरिंग रोड, यू सर्च फॉर साइन ऑफ डे ब्रेक इन व्हाट टाइटल लाइट स्पिल्स आउट ऑफ बस। तो डेफिनेटली बस का नाम आ गया है, तो यहाँ पे सोचना ही नहीं है। दिस पोएम्स आर टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम बस एंड दिस इज रिटन बाय अरुण कोलादकर, बस इन्होंने लिखा है। सेकंड में आप क्या लिखेंगे, द बस बाय अरुण कोलादकर इज द ओपनिंग पोएम ऑफ द 31 सेक्शन ऑफ हिज कलेक्शन ऑफ पोएम जेजुरी, जो इनकी पब्लिश हुई थी उसका ये 31 कलेक्शन है, और इन्हीं की थी अलोर टेम्पल, जिसको हमने डिस्कस किया है, अलोर टेम्पल पे भी कभी कभी आ जाता है। और इट, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या आएगा, इट डिस्क्राइब द बम्पी जर्नी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द डेस्टिनेशन विच इज टेम्पल ऑफ कनाडोबा, तो ये एक टेम्पल का है, आप इसमें लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। आगे नेक्स्ट पैरे में, द बस इज फुल ऑफ पिलग्रिम्स हु आर बाउंड ऑफ द टेम्पल ऑफ खानोबदे एंड वेयर दे वेंट टू ऑफर वर्शिप, जहाँ ये पूजा करने के लिए जा रहे थे, एंड द पैसेंजर माइट हैव इंक्लूड अ फ्यू टूरिस्ट हु मेयरली वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियसिटी अबाउट वट काइंड ऑफ टेम्पल इट इज़, क्योंकि कुछ फॉरनर्स भी होते हैं तो उन्हें नहीं पता कि इंडिया में किस तरह से टेम्पल्स होते हैं, किस तरह से पूजा पाठ होता है, तो वो इसके लिए क्यूरियस थे, वो सेटिस्फाई अपनी क्यूरियसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए जा रहे थे। वन ऑफ द पैसेंजर सीट अपोजिट टू द एन ओल्ड मैन वियरिंग द ग्लासेस, उसके बाद थोड़ा सा पैसेंजर्स के बारे में आप बता दीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और सजेशन ये है कि आप कोशिश कीजिए कि इस पार्ट को आप लास्ट में अटैम्प्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब लास्ट में अटैम्प्टिंग होगी तो आपने इससे पहले जो 80 मार्क्स का पेपर है वो कंप्लीट कर लिया होगा, जो आपने 4 क्वेश्चंस हैं बेसिकली उनको कंप्लीट कर लिया होगा, तो लास्ट में आपका जितना भी टाइम बचता है, जो भी बचता है, तो आप अपना फर्स्ट आरटीसी को दीजिए। और अगर आप स्टार्टिंग से करना चाहते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे ये है कि आप बिल्कुल टाइम को मैनेज करके रखिए, वो कहते हैं ना अपनी मुट्ठी में रखिए टाइम को, बिकॉज ऐसा ना हो कि इन आरटीसी के चक्कर में आपका 1 आवर तो आप अपने आरटीसी को दे दो, बाकी के 2 घंटे में फिर आपको कितने क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, आपको 4 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है MEG 7 के पेपर में, क्योंकि पेपर की लैंग्वेज टफ नहीं आती, बस इसका थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, और जिसका RTC वाला पॉइंट आता है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि क्या आता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेजेस, और इसमें चॉइस नहीं होती है, आपको करना है। अगर ऐसे दिया हुआ है, इस अपने मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है जून 2019 का, ये जी पार्ट तक आपको कंपलसरी ही करना था, किसी में कोई चॉइस नहीं थी, मैंने आपको 1 साल का करा दिया है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और कंप्लीट पोइट्री से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक पैराग्राफ आया, जैसे कि आई एम इंडियन आई एम वेरी ब्राउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंट्रोडक्शन पोइट्री जो रिपीट करती है, माय स्विंग भी रिपीट करती है, बस 1-2 बार आई हुई है, इस पे इतना रिपीटिशन नहीं होता, माई कंट्री ऑफ ग्लोरी पास्ट को कर लेना, लव एंड डेथ बहुत रिपीट करती है, सो इन सारे पोइट्रीज को प्रॉपर तरीके से कर लेना, लोटस सीता इन सबको भी कर लेना, छोटी छोटी पोइट्रीज है, टाइम है तो कर लो, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट पोएट्रीज की मैंने वीडियो बनाई वहाँ से कैप्चर कर लो आप, जो बहुत 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 बार आई हैं उनकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, कीप स्टडी एंड गुड लक फॉर एग्जाम्स, थैंक यू।